हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं यहाँ टेंगनावा माता में जस्ट आया हूँ और जस्ट हमने पूजा किया तो हमने सोचा कि आप लोगों से क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए। तो हम ही जस्ट यहाँ पहुँचे हैं और भारी मात्रा में लोग आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अच्छे दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि माँ जगदम्बा ये समय माता लोगों की कामनाएं पूरा करती हैं और ये बहुत फुराती हैं और सभी काम मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसलिए लोग दूर दराज से आते हैं और आए भी हैं। क्यों नहीं, माता रानी हैं, ये सभी की रक्षा करने वाली हैं, माँ शेरावाली हैं, माँ काली हैं, सभी तीनों देवियाँ यहाँ पर विद्यमान हैं। और यहाँ भी बजरंग बली भी का स्थापना है और बजरंग बली साइड में है, लोग दर्शन करने भारी मात्रा में आते हैं, हर मंगलवार को यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो आज भी कुछ लोग आए हैं, ज़्यादा से लोग अब धीरे धीरे आना चालू कर दिए हैं, शाम तक आएंगे। तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये लोग सभी पूजा कर रहे हैं और अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी। चलिए हम हमारे साथ में बने रहिए और सबसे पहले हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं रोज़ डेली लाता रहता हूँ एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, दुकान लगाए रखे हैं, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और सामान खरीद सकते हैं इन लोगों से, अच्छा इन लोगों का रहता है। और यहाँ ये देखिए लोग आए हुए हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर दर दुकान लगे हैं, यहाँ पे अगरबत्ती मिलता है और मिठाइयाँ भी मिलती हैं। पास बाजू में ये नल भी है, यहाँ पर आप नहा सकते हैं, जो लोग नहा कर नहीं आते हैं वो स्नान भी कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यहाँ पे मिठाइयाँ हर मिल सकती हैं, खुरमा है और बसाता भी है, लड्डू है, सब चीज़ मिलता है यहाँ पर, आप यहाँ पर आ सकते हैं और ले सकते हैं। हाँ, और शाम को बाज़ार भी लगता है, बाज़ार से भाजी भी सब्जी भी जो सब्जियाँ मिलती हैं आप ले सकते हैं। इस समय अभी इस मॉर्निंग का टाइम है इसलिए लोग ज़्यादा नहीं आए हैं, बट शाम तक आ जाएंगे। और आप शाम को जब आएंगे तो यहाँ पर जो आप सब्जियाँ जो आपको ज़रूरत पड़ती है आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो उधर भी चाट भी मिलता है, लोग क्या है जो यंग लोग हैं, युवा लोग हैं हमारे, वो जा कर के वहाँ पर चाट फुल्की या बसाता का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। और हमारे घर के मेरी जो लड़की है वो मेरे बेटे के सामान है, तो हमारे साथ में ये भी है, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है, चल रहे हैं हमारे साथ में, ये भी भैया जी बनाते हैं चाट यहाँ पे, इनका बहुत बड़े अच्छा सा चाट बनाते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं और चाट इनसे खा सकती हैं। चाउमीन भी बनाती हैं, सॉरी आपसे चाउमीन मिलेगा, मंचूरियन, हर चीज मिलेगा जो आप लोग को जरूरत पड़ेगी, हर चीज व्यवस्था है। और ऐसा कभी आप लोगों ने खाया नहीं होगा, आप एक बार खाएंगे तो बार बार आप लोगों को खाने की इच्छा करेगी, दिल कहेगी और दिल खुश हो जाएगा। और शाम को हंसते हंसते जाएंगे माता कृपा की दर्शन करके। तो लोग अभी आना जरूर है लोगों का, ये लोग आ रहे हैं, बाइक से कोई आ रहा है, जैसे जैसे लोगों की सुविधा मिलती है वैसे उस तरह से आते हैं लोग, दर्शन करते हैं भारी मात्रा में। और कुछ भी टेंट लगाए गए हैं, कुछ लगता है कार्यक्रम होने वाला है, ये उधर टेंट लगा हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, टेंट है वहाँ पे, कुछ कार्यक्रम था बट मुझे मालूम नहीं था, मैं आपको उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि दुकान लगे हैं और शाम तक और ज्यादा दुकान लग जाएंगे, फिर आपको जो चीज़ें सब्जियाँ की जरूरत होगी, जो भी जरूरत होगी वो आप ले सकते हैं। लोगों का आना जारी है, अभी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, आज मंगलवार है, हर मंगलवार को यहाँ पर मेला की तरह लगता है, बाजार भी लगते हैं और माँ की अर्चना पूजा अर्चना लोग करते हैं। लोगों का मानना है कि माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, नौ दिव्याएं यहाँ हैं, विद्यमान हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरा करती हैं और संकट से उबारती हैं और रक्षा करती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके कहीं जाइएगा ना, देखिएगा लास्ट तक देखिएगा। और ये देखिए कुत्ता यहाँ पर बड़े आराम से सोया हुआ है,
माँ लक्ष्मी की कृपा से इसको बहुत संतुष्टि मिली है। क्यों नहीं, जब यहाँ माता जगदम्बा है, माता लक्ष्मी है, तो वहाँ पे क्यों नहीं सुकून मिलेगा, हर किसी को सुकून मिलेगा और सभी की दुख दूर करेंगी माता रानी, दुख दूर करती हैं तो सबका दिल यानी कि खुश हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं, सभी की मामनाएं पूरा होती हैं। और यहाँ पे भी पेड़ पौधे भी लगाए हैं, यानी छांव मिल सकता है, आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं कुछ। और ये ब्रह्मदेव बाबा का स्थान भी है यहाँ पर, यहाँ पर विद्यमान है, और शनि देव यहाँ पर क्यों नहीं रक्षा करते हैं, लोगों की दूर करते हैं। तो आज तक का इतने ही।